पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हमार हम सबके लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। वाह, मैं भी चाहता हूँ जी सच्चे अर्थ में एक मित्र के रूप में आपके साथ काम करता रहा। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ। आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको तो क्या बोलेंगे? सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, पर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे इन्हें क्या जाता है। आज मुझे आपको सुनना है, आप लोगों के क्या अनुभव रहे, वहां सबसे मिलते होंगे, कुछ न कुछ अच्छी बातें हुई होगी, वो मैं जरा सुनना चाहता हूँ। सर नमस्ते, नमस्ते। हर हर महादेव। सर हर हर महादेव। सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 kg खेलता हूँ सर, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत ज्यादा कंपटीशन खेल लिए थे 2021 से लेके, तो मैंने 16 कंपटीशन खेले सर, जिसमें मेरे 14 में मेडल थे, जिसमें 8 में मेरे गोल्ड थे, ब्राउन सिल्वर, एशियन गेम में भी मेरा सिल्वर था, वर्ल्ड गेम में ब्रॉन्ज था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज था। तो सर मेरा डर निकल गया था, ओलंपिक का इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा खेल लिए थे सर। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था, तो हमारे देवेन भाई साहब झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है, बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है। और सर मेरे कोच हैं उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ? सर बहुत बार ऐसा होता है तो बस सर के हाथ पकड़ के चलते, हाथ पकड़ के आते हैं, तो थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो दिखता है उसमें अपना काम कर लेते हैं सर। और सर आपका बहुत आशीर्वाद रहा। कपिल उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी जी सर, तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था। वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कैसे, आपके कोच कहाँ है सर? हाँ जरा बताइए क्या मुश्किल होता है। सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहां दिखता तो है नहीं कुछ। तो उस दिन हमारे 7-2 मैट एरिया थे, एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी, और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15,000 से 18,000 दर्शक वहां थे। तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे, और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये सेमीफाइनल फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा, तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। तो सामने का जो कोच होगा वो भी अपने प्लेयर को इसी प्रकार से सूचना करता होगा? जी जी, वो भी, अब ये डिपेंड करता है कोच टू कोच कि वो, जैसे हमारा इनका टाइप जो भी हमारे कोचेज और जो खिलाड़ी उनके साथ, ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है, तो हम डिफरेंट उसकी जो है सोच में, मतलब कोच को भी औरों से अपने आप को अलग सीक्रेट रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वही चीज हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको तो क्या बोलेंगे? हमारा कहना ये होता है सर, ऐसा ही बताया बोलते कि हम मार दे तो मगर अटैक तो करता हूँ, कभी खाली चला जाता तो वापस खड़ा हो जाता। टेक्निक का नाम बताते हैं, जो पोजीशन आगे पीछे पांव की दिखती है तो वो टेक्निक का नाम जो इनको सिखाया होता है वो बताते हैं, तो फिर ये वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि कहाँ पर ऑफ बैलेंसिंग हो रही है, आगे हो रही है या पीछे हो रही है, तो वो टेक्निक बताते हैं। तो आप सामने वाले की पोजीशन भी बताते होंगे? जी 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 बिल्कुल, उसके जो मूवमेंट होते हैं, जैसे उसने आगे किया, वेट उसका आगे जा रहा है तो हम आगे वाली टेक्निक उसको मार सकते हैं। हाँ। ऐसे ही अगर उसने पीछे वेट किया या पीछे मूव कर रहा है तो पीछे वाली टेक्निक बताते हैं, और जिससे कि हम उसके पॉइंट। आप जब वहां बैठे होते तो आपके भी हाथ पैर हिलते होंगे बहुत ज्यादा, बस बस नहीं चलता कि हम लोग भी मैट पे चले जाएं। तो कोच सर
सर ऐसा हो रहा था कि सेमीफाइनल में जो रेफरी था जो मेरे हाथ पकड़ के ले जा रहे थे उनके हाथ खुद धूझ रहे थे क्योंकि बड़े मैच में उनको भी डिसीजन गलत दे दिया, जैसे तो थर्ड एम्पायर रहता है पूरा उसके बाद ही बताया जाता, पर मेरा डिसीजन बहुत जल्दी दे दिया था रोल करके, वो मेरी भी गलती रही कुछ, सेमीफाइनल में मैं दब गया। पर नेक्स्ट टाइम मैं सर आपसे वादा करता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैन सर, मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा और एक मेरे पास प्रीति है। मैं एथलेटिक का एक कोच हूँ, पैरा एथलेटिक का। तो मेरे दो एथलीट है, दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं और फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर, मेरे एथलीट लेकर आए हैं अभी और 3 मेडल आए हैं हमारा। काफी वहाँ पे सीखने को मिला सर, जैसे कि वहाँ पे हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब 2 मेडल आ गए, तो 2 मेडल एक ही रूम में, 2 एथलीट हैं 100 मीटर के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं, देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में। तो जब 2 मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का अभी इवेंट भी नहीं हुआ हो, तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच, एज ए हस्बैंड, मैं कैसा फील कर रहा हूं, मैं उसको समझ रहा हूं। दूसरा एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें 2 मेडल रखे हैं, हाई प्रेशर है वो, के भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया, उसके 2 मेडल आ चुके हैं। तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था, बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन। तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला, हम 100 मीटर में हार गए सर। अच्छा, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए, अब घर में क्या होगा तेरा? सिमरन सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी, एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था, मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज्यादा ही प्रेम में है, तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। तो शायद चौथे में मैं कुछ करूं। और जैसे कि सर मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूंगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की, में ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूं जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी है फ्रांस की जिनका 5वें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया, एक ट्रिपल जंपर भी हैं शायद यूएसए के हैं कहाँ के, उनका 5वें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। या कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जैसे कि ये गुड़िया है, ये फोर्थ है, काफी लोग फोर्थ हैं तो ये निराश हो रहे हैं, तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं, उसको देख लो। देखिए मैं समझता हूँ कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने, चौथे पर रह करके। सर कोई बात नहीं, मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इसके इनके शिष्य का गोल्ड आया है और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रॉन्ज आया है। और मैं नवदीप का कोच नहीं हूं बट मैं नवदीप का गुरु हूं। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी एज ए बड़े भाई गुरु के तौर पर रहा है,
तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा, लेकिन अगली बार सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं बहुत तगड़े गेम्स होंगे, लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पे हुआ होगा। तो सर हम उसमें भी अपने उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में भी देवेंद्र भाई साहब को एक आइडल मानते हुए अपने आठ गोडों को बचाते हुए उसमें कोशिश करेंगे उसमें भी खेल पाए। नहीं नहीं आपका जीवन के देखने का एक दृष्टिकोण है ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायर करने वाला है कि भाई मैं आगे भी कुछ करूंगा और करके रहूंगा। मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। नमस्कार जी। मैं मेंटल कोच हूं राधिका सिंह शूटिंग टीम के साथ। और आप कह रहे थे कि अपना हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे ज्यादा जरूरी है एक ग्रुप की मोहब्बत एक दूसरे के लिए। तो शूटिंग टीम में कोई एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहा है, सब अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी भी उनकी क्षमता है जितनी भी उनकी तैयारी है उसके आगे वो अपनी वीकनेस नहीं देते, स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, वो अपनी स्पोर्ट के लिए मोहब्बत देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम बहुत जुड़ी हुई रही। और ऑल्दो मैं एक ही इवेंट के लिए 2 बच्चों को तैयार कर रही थी, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं था उनमें। तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम आपस में मोहब्बत से आगे बढ़े और वो मोहब्बत स्पोर्ट में दिखती है। सर नहीं आप ये मेंटल हेल्थ को करती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं? सर जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% जो दिमाग होता है उसमें कोई कमजोरियां हैं तो उनको चेंज करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ना और अपने आप को आगे लेके जाना। नहीं कोई इन लोगों का योगा का संबंध, कोई मेडिटेशन का संबंध, सर ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों ने? योगा भी है हमारे टीम में, एक योगा भी कराते थे तो रोज सुबह मेडिटेशन होती थी, रोज शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज दोहराते थे, मतलब रोज मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी। तो वो टाइम उनका रेंज पे प्रैक्टिस, उनका योगा से प्रैक्टिस, मतलब टीम में बहुत ऑर्डर रहा सर। तो दुनिया के बहुत देशों के स्टूडेंट्स खिलाड़ी होंगे जो योगा मेडिटेशन नहीं जानते होंगे जी, तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फर्क पड़ता है? जी बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हो। तो ये आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया है कि योगा हमारे कंट्री में बहुत बढ़ाई है। और आई थिंक स्कूल्स में सर इसको आप सब्जेक्ट बनाएं, बिकॉज इसमें जो साइंस में जो शक्ति है वो किसी और चीज में नहीं। बधाई हो। थैंक यू सर। और कोई? हाँ पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात कि कपिल ने ना ही पैरा जूडो में जबकि एबल जूडो में भी पहला भारत को मेडल दिया है। अब तक एबल या पैरा जूडो में कोई मेडल नहीं था। और कपिल के नाम एक और हिस्ट्री है कि विजुअली इम्पेयर्ड इन एनी गेम का पहला मेडल भी कपिल ने इंडिया को दिया है। सो हम सब लोग को उसकी बधाई। हमारे जो जूडो के टॉप शॉट्स हैं वर्ल्ड के, उन सब लोगों ने पर्सनली पोडियम से उतर के आके हम लोगों को कंग्रेचुलेट किया, बोले वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ क्विक अपराइज इन पैरा जूडो, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। एंड सर वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते थे, साई ओजीक्यू फिनोमिनल सपोर्ट हम लोग को मिला है, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन नीडलेस टू से। तो सर थैंक यू सो मच। एंड जितने और कोचेज हैं यूके यूएसए, जो हम लोग के अच्छे फ्रेंड्स हैं कोरिया, वो सब लोग आए बोले वी न्यू यू वर गोइंग अप अहेड बट वी डिडंट रियलाइज इट्स गोना बी सो सून, सो वी फेल्ट वेरी प्राउड। एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम दैट इज बैकिंग अस अप। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप चौधरी जी के लिए बात कहूंगा। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ये आपने सबको ये बताया जो घुड़सवार होता है वही गिर सकता है, बच्चे कभी नहीं गिरते। तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊंगा, शीतल हरविंदर, मैं आर्चरी से हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि जूडो में हरविंदर का पहला आर्चरी एबल और पैरालंपिक में फर्स्ट मेडलिस्ट है, टोक्यो में ब्रॉन्ज और अभी हिस्ट्री में फर्स्ट इसका मेडल है जो एबल के बराबर शूट करके 28 29 लास्ट एरो आपने देखा होगा सर,
बिल्कुल क्लोज टू था, अगर वो 10 लगता तो हम किम वुजिन और अपना ब्रैडी एलिसन के बराबर शूट कर देते। नमस्ते सर, मेरा नाम अमीशा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मुझे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में, मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है 2 साल ही हुए, और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू माई कोच जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे लोग डरते होंगे। हाँ, पहले आप डरी थी, अब लोग डरते होंगे। तो आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है, तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। परिवार में से क्या रिस्पांस है अब? परिवार के, तुम्हारे फैमिली के लोग क्या कहते हैं? अब तो फैमिली बहुत खुश है, और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी, लेकिन अब और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा दे रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक सेकेंड गोल्ड मेडल है सर मेरा। मेरे को अभी भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में, जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गए सर टोक्यो वाले, कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राइट, जैसे हम सारे लोग मोस्टली स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं गवर्नमेंट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ से कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, पर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं, अरे देख लेंगे ना, क्या जाता है। जब अपने देश का प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत छोटी चीज लगने लगती है। लास्ट टाइम सर मैं आपसे बात की थी, मैं टोक्यो उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा, उसमें मेरा 8th रैंक रही थी। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जब विदेशी जगह पे जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप नर्वस फील करते हैं, क्या करते हैं? तो जो आपने जवाब दिया था कि आपके साथ आप पूरा देश एज ए रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें, तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज इस बार मैं भी गया था, तो सारी चीजें हमें ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेशर नहीं था, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, और हमारी टीम ने, गवर्नमेंट ने, हमारे कोच साहब ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और ये कॉम्पिटिशन खेल के सर बहुत मजा आया सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार, जो मैंने 16 साल से तपस्या की थी, और कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट है धर्मवीर, जिसका गोल्ड मेडल आया है, हम दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं, और उसको मैं खुद ट्रेनिंग करा के लेके आया, तो कहीं ना कहीं आपसे बात हुई थी 20 तारीख को, तो ये लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइव आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है। और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम, शायद मैं अकेला ही एथलीट होऊंगा वर्ल्ड में जो अपने स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर रहा था ग्राउंड में, और कहीं ना कहीं मेरी तपस्या सफल हुई सर धर्मवीर के मेडल से। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर हम लोगों की टीम में, क्योंकि हमारी सबसे सीवियर डिसेबिलिटी है, तो साई ने और मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिए, हम लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ में आदमी बढ़ा के, वहां बल्कि 33% का ही रेशो था कि 33% ही लोग अंदर रह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में, तो देवेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उसको रोटेशन में करते रहे, जब हमारे इवेंट आए हमारे लोगों को अंदर ले आए और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन हुआ उसका, और यही फायदा हुआ कि सर हमारे इतने मेडल आए। साई का भी जैसे हमारे खाने का था, वहां इंडियन फूड की बड़ी प्रॉब्लम थी और वेजिटेरियन के लिए बड़ी दिक्कत थी, तो साई ने जो अंदर कैंप के, कैंप विलेज के अंदर ही जो खाने का अरेंज किया, वो इतनी अच्छी हेल्दी डाइट थी कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम का, और हम लोगों को इतना मोटिवेशन करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। एशियन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी, तो जब आप सबसे मिल रहे थे, मेडलिस्ट से आगे मिल लिए थे, तो आप आए और लाइन से सब जगह पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लगी हुई थी, तो कुछ लोगों से यहां मिलके आप उस तरफ मुड़ गए थे, तो बहुत नजदीक से मैंने आपको देखा, लेकिन मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई, तो वो अंदर एक टीस थी कि अब दोबारा तो मिलना ही है।
और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनसे पर्सनली मिलना ही है। तो उससे शायद मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं कर पाई। मेरे बच्चों को मैंने 6 महीने हो गए मैं मिली नहीं, घर ही नहीं गई। तो मेरा बेटा छोटा है तो उसे जब भी घुमाने लेके जाती थी मोबाइल में GPS लगा के, तो उसे पता है मोबाइल में रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो वो ऐसे बोलने लग गया मुझे कि मम्मा आप रास्ता ही भूल गए घर का, आप GPS में फोन में लगा के घर तो आ जाओ कम से कम। तो सर थैंक यू सो मच, आप लोगों का सबका बहुत सपोर्ट रहा है, आशीर्वाद रहा है जिसकी वजह से हम लोग कर सके हैं, पूरी टीम का सपोर्ट रहा है हमारे कोचेस का, तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बधाई। सर मैं शरद कुमार हूँ, मेरा ये सेकंड मेडल रहा है, मैं थर्ड टाइम पैरालंपिक्स। शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूं तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा करेगा? सर ये सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया सर। बट मैं एज एन एथलीट ये कहना चाहता हूँ कि जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं कोचेस फिजियोथेरेपिस्ट सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफकोर्स साइक की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। नमस्ते सर, आई एम पलक कोहली एंड ये मेरा सेकेंड कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स था, एंड टोक्यो में मैंने फोर्थ फिनिश किया था एंड यहाँ पे मैंने फिफ्थ फिनिश किया। बट दोनों इस पैरालंपिक्स जाने का मेरा जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट था। मेरे को आफ्टर टोक्यो पैरालंपिक्स 2022 में सर बोन ट्यूमर हो गया था और स्टेज 1 कैंसर हो गया था, एंड नियर टू 1.5 ईयर मैंने कोई भी कम्पीट नहीं किया, कोई टूर्नामेंट कुछ भी नहीं किया, एंड लास्ट ईयर मैंने 2023 में कमबैक किया, एंड मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और काफ़ी प्राउड हूँ कि मेरे सपोर्टिंग स्टाफ, मेरे कोचेस गौरव सर के सपोर्ट और गाइडेंस के कारण मैं क्वालिफाई कर पाई पेरिस के लिए। एंड मेरे बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स आफ्टर टोक्यो छूट गए थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स बिकॉज मेरे को वॉक ओवर देना पड़ा, एशियन गेम्स में मुझे कोविड हो गया था, इस ईयर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई किया और मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, एंड फिर मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया बैक टू बैक। मेरा वर्ल्ड रैंक एकदम 38 लास्ट हो गया था बिकॉज मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे, एंड अगेन से मैंने अपने आप को टॉप 4 वर्ल्ड नंबर 4 में आई और मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मैं मेडल नहीं जीत पाई, बट आपकी ब्लेसिंग्स और सबके साथ आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर LA 28, एंड डेफिनेटली सर आई लाइक टू हैव अ पिक्चर ऑन द पोडियम विद यू सर। थैंक यू सर। अलग पिछली बार तो तुम लखनऊ में तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो अरे मम्मी पापा से भी मेरी बात हुई थी। यस सर टोक्यो जाने से पहले। इस बार क्या मूड है? सर अब मैं लखनऊ में गौरव सर यहाँ पर है सर के अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मैंने उन्हीं के गाइडेंस में मेरे को पैरा बैडमिंटन पता चला था, एंड घर में लाइक जब मुझे बोन ट्यूमर हो गया था तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि लेकिन अब पलक का तो करियर खत्म स्पोर्ट्स में एंड ऑल, एंड डॉक्टर्स ने बताया था कि अब हम कुछ एश्योरिटी नहीं दे सकते आप नॉर्मल लाइफस्टाइल भी हो पाओगे कि नहीं। एंड उसके बाद सर काफी कॉम्प्लिकेशंस रहे, मेरे को एक डिसेबिलिटी मेरे हाथ में ऑलरेडी था, और मेरे को ट्यूमर के बाद मेरे लेग में भी डिसेबिलिटी हो गया जिससे मेरे दोनों लेग लेंथ में भी डिफरेंसेस आ गए और भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो मेरी फैमिली हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है और उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, एंड दे वांट मी टू बी हैप्पी, तो उनका बस ये कंसर्न है कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी। देख आप पलक, तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती हो, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद और चलिए ट्रैक पर गाड़ी आई, जिंदगी बनाई, बीच में रुकावट आ गई और बीच में नई समस्या आई, और फिर भी तुमने अपना मकसद नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बधाई हो आपको। नमस्ते सर, मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ, श्याम सुंदर स्वामी नाम है, पैरा आर्चरी से हूँ।
सर हमारे बीकानेर में कर्णी सिंह राजा वो 5 बार ओलंपिक खेल के आए थे। हम देवेंद्र भैया से हम बहुत मतलब क्योंकि 40 साल के बाद मैं एक टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आया था तो भैया को देखा था कि भाई ये गेम होता है ऐसे, तो मैं भी फिर पैरा माया में सर पहले एबल खेलता था। 2016 में मेरे को पता चला कि भाई पैरा का भी कुछ है क्योंकि भैया का अखबार में फोटो आया था बहुत बड़ा, तो भैया से सीख के और फिर मैं 40 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेट करके आया था सर। इस बार सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खास करके जो मेरी कैटेगरी के गोल्ड मेडल एसएल 3 के हैं नितेश कुमार जी, इनसे सीखने को मिला सर। पूरे लाइफ में जिनसे वो जीते एक बार भी उनसे मैच इससे पहले नहीं जीते थे, और उनकी वजह से जबकि मैं उनको हरा चुका कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं जरूर उनको दोबारा हरा सकता हूं और इवन पूरे वर्ल्ड में सबको हरा सकता हूं। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल है और मैं पैरा एथलेटिक्स का कोच हूं। शायद ही यहाँ पे कोई कोच होगा जो मेरे से पहले पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग करा रहा होगा। मैंने 2005-06 में पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना शुरू किया, तो जब कैसे विचार आया आपको ये? सर मैं नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने जाता था तो एक दो एथलीट्स वहाँ पे जिनके लिम्ब डिफिशेंसी थी वो आते थे, तो मैंने उनको देखा पढ़ा, फिर देवेंद्र जी के बारे में सुना कि उन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तब मैंने इसके बारे में स्टडी किया और मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करना। तो सभी कोचिस नेहरू स्टेडियम में मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे कि मैं दीपा मलिक जी की चेयर को पुश करके जाता हूँ, किसी पैरा एथलीट को ट्रेनिंग करा कर न जाता हूँ, अंकुर धामा का हाथ पकड़ के उसको नेहरू स्टेडियम में घुमाता हूँ, तो सोचते थे कि मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। आज वही पैरा एथलीट वही कोचेस जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे आज वो सब पैरा एथलीट को ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। ये मेरे दिल से बोल रहा हूँ कि मैंने इस फील्ड में काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ और आने वाले टाइम में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये 29 नहीं मैं 50 के मेडल का यहाँ से प्रॉमिस करके जाता हूँ कि मैं हम ही सब इतना काम करेंगे हम 50 मेडल लेते हैं। थैंक यू सर। देखिए साथियों ये बात सही है कि हर खेल में जो सपोर्ट स्टाफ होता है या कोचिंग करने वाले लोग होते हैं बहुत मेहनत करनी पड़े हर क्षेत्र में, लेकिन दिव्यांगों के साथ काम करना, उनको सिखाने से पहले खुद को उस जिंदगी को जीने के लिए मन से तैयार करना पड़ता है, खुद को उस पोजीशन में रखना पड़ता है, कौन सी उसकी दिक्कतें हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसात करना पड़ता है, तब जाके कह सकते हो, वरना मैं तो रूटीन में कह दूंगा यार दौड़ो, अरे वो कभी मैं नहीं दौड़ सकता, वो कोच समझ सकता है ये नहीं दौड़ सकता, उसके लिए तरीका ये होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो पैरा एथलीट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोचिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है जी, और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं भली भांति समझता हूँ और मैंने कई बार जब फोन पे भी सबसे बात करने का मौका, तो जीना भी सिखाना होता है जी। इसलिए ये वाकई बहुत बड़ी साधना है जी, और इसलिए मैं तो मानता हूँ कि आप जो साथी ये काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अभिनंदन के अधिकारी हैं। सर अभी मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने का स्टार्ट करके 30 साल हो गया, इवन एथलीट एडमिनिस्ट्रेटर, हम एक टाइम में एक भी फ्लैग नहीं देखता था, अभी इंडिया का फ्लैग हम लोग को दिखने का स्टार्ट हो गया। हमारा खिलाड़ी का भी एक पैरा स्पोर्ट्स का वजह से हम मेडल जीत सकता बोल के आ गया। हम लोग कब पार्टिसिपेट करता था उस टाइम में सोचता था पार्टिसिपेट करना है, अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड अगेन आपको मैं बहुत धन्यवाद बोलता है सर, मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। एंड अगेन सर इंडिया एबल बॉडी में भी हम अच्छा मेडल लेके आ सकता है, इसलिए मैं ईस्ट जर्मनी में था केन्या में भी था, इंडिया में आजकल वेरी गुड फैसिलिटीज है वो ठीक से यूज करना है, फिजिकल एजुकेशन टीचर को एक्टिव कर दिया तो 100% हम अच्छा मेडल लेगा सर। थैंक यू सर। सर मेरा नाम निषाद कुमार और मैं T47 हाई जंप से हूँ और मैंने
बैक टू बैक पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने हम टोक्यो के लिए टीम वहाँ पहुँची थी तो वहाँ कोविड था, तो उस टाइम ऑडियंस के बगैर हमने कॉम्पीट किया था। तो अभी हम पैरालंपिक्स में पेरिस में खेले तो वहाँ पर एकदम पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। तो जिस दिन मैं कम्पीट कर रहा था पूरी ऑडियंस इंडिया के इंडिया इंडिया नाम से चला रही थी, तो वो बहुत हमें मोटिवेट मिला, उससे पुश मिला अपनी परफॉर्मेंस को और मेडल डिफेंड करने के लिए। और अगले दिन मेरी मेडल सेरेमनी थी और वहाँ पर मेडल के बाद मैं अपने दूसरे टीम मेंबर्स को हाई जंप में सपोर्ट करने के लिए पहुंचा, तो मेडल मेरे गले में था। और उस टाइम फ्रेंच फैमिली मेरे को देख रही थी कि कल हम इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे, आज ही हमारे बीच में बैठा है। और ये काफ़ी टाइम से वो मुझे देख रही थी कि हमें कब मौका मिले इस खिलाड़ी के साथ फोटो लेने का। तो जैसे ही कॉम्पिटिशन खत्म हुआ तो मैंने अपनी फ़ोटो के लिए मैं नीचे गया फोटो के लिए, और उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी तो उनके बच्चे थे साथ में छोटे छोटे, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो ली और उनके हाथ में बच्चों के हाथ में मेडल दिया। वो आई थिंक 6 से 7 साल के होंगे, तो वो बच्चे मतलब एकदम मायूस हो गए कि मेडल हमें देखने को मिल रहा है, कल हम इस खिलाड़ी के लिए चेयर अप कर रहे थे और आज हमारे बीच में खड़े हैं और फोटो ले रहे हैं हमारे को। तो उनकी मम्मी ने मेरे को बोला कि हमारा यहाँ पेरिस में आना कॉम्पिटिशन देखना ये सक्सेसफुल होगा कि आप हमारे बीच में हमारे बच्चों के साथ फोटो ले रहे हो और उनको ऑटोग्राफ दिया आपने, तो वो फैमिली पूरी खुश होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मतलब बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2 बार। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, NCOEs हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप PM का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप PM का मतलब है परम मित्र। वाह, मुझे ये पद आपने दिया बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं जी सच्चे अर्थ में एक मित्र के रूप में आपके साथ काम करता रहूं। सर मेरा नाम नवदीप है। सर मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूं सर, दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूं। सर मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर, जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने वाला। वाह, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं रक्षिता राजू विजुअली इम्पैर्ड एथलीट है। ये मेरा पहला ओलंपिक है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सपीरियंस लॉट ऑफ, एंड आई एम 2 times पैरा एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं थैंकफुल टू माय गाइड रनर्स एंड माय कोच राहुल बालकृष्ण सर, वो इधर ही है मेरा साथ। विदाउट गाइड रनर आई कांट रन। आई फील वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली 2028 आई विल गेट गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। My guide runners and my coach motivated lot of me. I'm very very thankful because morning and evening without any expectation मेरा साथ time spend करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, चलिए साथियों मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का अवसर मिला। इस बार आप लोग जब गए तब मैं फिजिकली तो मिल नहीं पाया था, क्योंकि काफी लोग अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे थे और समय की भी कुछ कठिनाई थी, तो मैंने वर्चुअली भी कोशिश की कि आप सबसे बात करूं। और उस दिन मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था
मैं आज आप लोगों को देशवासियों का एक संदेश देने आया हूं। और मैंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है विजय भव। आपने देशवासियों की जो भावना थी ना, उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जरा ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, आपके यहां शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। और वो मैं देख रहा हूं कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है, किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा, हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं। और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला, तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है, ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले, वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं, वो हमें मंजूर नहीं है, दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं, ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर, वो खेलते हो ना खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहां जाना, वहां जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूं। क्योंकि अब आपके लिए भी, सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है, व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं, हर एक को लगता है अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए, मैं बैठा हूं वो खड़े हैं, मैं खड़ा हो जाऊं उनको बिठा दूं, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है, और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल मेडल की संख्या आजकल तो
योगी ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है। लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है, क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था। वो मुझे दृश्य यहां नजर नहीं आ रहा है, मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूं, आपके आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, धन्यवाद।